हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबी मामा डॉट कॉम चैनल पर। मैंने अपना एक वीडियो डाला था प्राइवेट पार्ट को लेके कि कैसे ओपन करना चाहिए, कैसे क्लीन करना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसको जरूर देखें। और उस वीडियो को डालने के बाद मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, क्योंकि पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल हैं प्राइवेट पार्ट्स को लेके। तो मैं एक एक करके रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूं। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट है वो हमें कब से ओपन करना चाहिए। तो जब बेबी बॉय होता है, आप उसके एक दो दिन बाद से बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट ओपन करना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे ये फायदा रहेगा कि बेबी बॉय के जो प्राइवेट पार्ट्स अगर आप शुरू से जो है धीरे धीरे ओपन करेंगी, उसमें तेल वगैरह डालती रहेंगी, पानी से साफ करती रहेंगी, तो सबसे पहले कि बेबी का जो प्राइवेट पार्ट है वो आसानी से खुलना स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरी बात कि ना आपको कोई दिक्कत होगी ना ही बेबी को कोई दिक्कत होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो कब तक पूरा खुल जाएगा। बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि पूरा, एक तो पूरा का मतलब होता है, मान लीजिए प्राइवेट पार्ट से बेबी का जो ऊपर का मेन ऑर्गन होता है जो गोल गोल होता है, एक बोलते हैं उसको पूरा ओपन करना। एक पूरा ओपन करने का मतलब होता है कि जो खाल है वो बिल्कुल नीचे ले आना, ठीक है। एक ओपन करने का मतलब होता है कि जो गोल गोल जो बेबी का मेन ऑर्गन होता है उससे थोड़ा सा नीचे तक खोलना, ठीक है। ये तीन कंडीशन होती है। तो अब आपको ये समझना होगा कि कौन से पूरा ओपन होने की बात हो रही है। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात यहाँ पे क्लियर करूं कि जब बेबी छोटा है, लगभग मान लीजिए बेबी हुआ है और आपने उसका खोलना स्टार्ट कर दिया है धीरे धीरे, तो जो ऊपर का जो एरिया रहता है बिल्कुल गोल राउंड सा, तो वो जो पूरा ओपन होने में लगभग 9 महीने का टाइम लग जाता है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर बात करें कि इससे थोड़ा सा ज्यादा कब खुलेगा, तो उसको खोलने में लगभग 6 से 7 साल लग जाते हैं। मतलब बेबी आपका जब 6 से 7 साल का हो जाएगा तब लगभग आपकी आधी उंगली के बराबर उसका जो प्राइवेट पार्ट से ओपन हो जाएगा। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि बिल्कुल पूरा कब ओपन होगा, मतलब जो खाल है वो बिल्कुल नीचे कब आती है, तो एक बात क्लियर समझ लीजिए आप। बेबी का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो कितना भी बड़ा हो जाए तो उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है लगभग इतना ही ओपन होता है, ठीक है। और ये पूरा ओपन जब होता है, जब वो पूरी तरीके से जेंट्स बन जाते हैं, क्योंकि खाल ज्वाइंट्स रहती है और जो ज्वाइंट खाल होती है बिल्कुल नीचे, वो तभी आती है जब पहली बार अपने पार्टनर के साथ रिलेशन रखते हैं, ठीक है। उससे पहले पूरा ओपन कभी भी नहीं होता है। आप बिल्कुल ये ना सोचे कि आप जो है समय से पहले ही बेबी का प्राइवेट पार्ट पूरा ओपन कर देंगे, ठीक है। देखिए, आपको ओपन करने के लिए बोला जाता है, पूरा ओपन आधा ओपन से कोई मतलब नहीं होता है। बस इतना ओपन होना चाहिए कि बेबी के प्राइवेट पार्ट्स की सफाई होती रहे और जो है कोई भी इन्फेक्शन ना जमे, कोई भी गंदगी ना जमे, और जो है वो प्रॉपर तरीके से टॉयलेट वगैरह कर पाए, ठीक है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया होगा कि पूरा ओपन कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब तीसरा जो क्वेश्चन आता है कि कब तक साफ करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो आपको रेगुलरली, जब तक बेबी आपका समझदार नहीं हो जाता तब तक आपको साफ करना चाहिए। और जब बेबी लगभग 4 से 5 साल का हो जाए तब आप अपने बच्चे को समझाइए कि जब वो नहाने जाए तो अपने प्राइवेट पार्ट को जरूर क्लीन करे पानी डाल के। आप ये मत सोचिए कि आपका बेबी 5 साल का हो गया तो इन्फेक्शन नहीं हो सकता, गंदगी नहीं जम सकती, बिल्कुल जम सकती है। अगर आप अपने बच्चे को साफ करना नहीं सिखा रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बच्चे के खुजली हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, अगर उस जगह को साफ नहीं रखा जाएगा तो, ठीक है। आपको एक बात जरूर ध्यान रख, आपको अपने बेबी को जरूर समझाना है जब वो 4 से 5 साल का हो जाए, उसके बाद में आप छोड़ दीजिए और बच्चे को सिखाइए, तो बच्चा अपना प्राइवेट पार्ट खुद ही क्लीन कर लेगा। चौथा सवाल आता है वो ये आता है कि मैम, मेरा बेबी 9 महीने का हो गया, 2 साल का हो गया या 6 महीने का हो गया, पर मैंने अभी तक प्राइवेट पार्ट नहीं खोला है, क्या वो खुल जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल खुल जाएगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। बस फर्क क्या होगा कि अगर आप शुरू से खोलते तो बेबी को दर्द नहीं होता, प्लस आपको भी कोई तकलीफ नहीं होती, ठीक है। अब जो आप खोलना स्टार्ट करेंगी, बेबी की स्किन थोड़ा सा टाइट हो जाएगी, बहुत ज्यादा टाइट खुलेगी, तो इससे बेबी को काफी ज्यादा तकलीफ होगी, दर्द होगा, दिक्कत होगी, बस इतनी प्रॉब्लम होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप एक बात यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपका बेबी 9 महीने का हो चुका है, आपने नहीं खोलना स्टार्ट किया, तो कोई बात नहीं, जब आप खोलना स्टार्ट कर रही है तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें,
होता क्या है कि कई पेरेंट्स को पता ही नहीं रहता कि खोलना किस तरीके से। वो ये सोचते हैं कि हमने अभी तक नहीं खोली है तो हम फटाक से खोल देते हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने स्किन खोलना स्टार्ट की तो वो क्या करते हैं कि एकदम से स्किन को खींच देते हैं। एक चीज नोटिस करिए, जब बच्चे की जो ऊपर खाल रहती है प्राइवेट पार्ट है वो थोड़ी सी मोटी रहती है, जब आप उसको खोलना स्टार्ट करेंगी तो आप देखेंगे कि जो अंदर की खाल है वो बिल्कुल पतली होती है। खींचने की वजह से क्या रहता है कि जो खाल होती है जो पतली होती है बिल्कुल पत्ती की तरह पतली होती है, और वो खींचने की वजह से नीचे को और ज्यादा फट जाती है। ठीक है, तो वैसे ही पतली थी और आपने उसको और ज्यादा खींच के पतला कर दिया, तो फिर क्या होता है कि मान लीजिए ये प्राइवेट पार्ट से इतना, ठीक है, वो जो खाल होती है ना वो नीचे आके चिपक गई। ठीक है, अब वो तो अंदर की तो चिपक गई, अब जो ऊपर की जो मोटी खाल थी वो पलट जाती है। ठीक है, ये केसेस में बहुत ज्यादा देख रही हूँ, ये सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से होता है, आप जल्दबाजी करते हैं इस वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। तो मैं आपको प्लीज यही सजेशन दूंगी कि आपको अगर अच्छे से खोलना नहीं आ रहा है, आपको अच्छे से आप उसको नहीं कर पा रहे तो प्लीज आप बिल्कुल ना करें। आपको जब तक प्रॉपर जानकारी ना हो, आप प्रॉपर ना समझ पाए, तब तक आप उसको खोलने की कोशिश ना करें। और एक सबसे बड़ी गलती कि कुछ पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि बच्चे का जब हम खोलना स्टार्ट करते हैं तो बच्चा जो है प्राइवेट पार्ट को टाइट कर लेता है। ठीक है, तो जिस समय वो टाइट करता है तो उस समय बिल्कुल मत खोलिए। पांचवा क्वेश्चन, सबसे बड़ी पेरेंट्स के अंदर कंफ्यूजन। उससे कुछ लोग बोलते हैं कि मैम मेरा बेबी 9 महीने का है, उसका भी इतना ही ओपन हुआ है, और जो मेरे भैया का लड़का है या मेरी दीदी का लड़का है या कोई भी है वो भी इतना ही बड़ा है, उसका काफी ज्यादा खुलने लगा। ठीक है, तो बस आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको ये सरीकत बिल्कुल नहीं करनी। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की स्किन अलग होती है, हर किसी का सब कुछ बिल्कुल अलग अलग होता है। उसका जल्दी खुल गया, अच्छी बातें, हो सकता है उसकी जो स्किन थी वो बिल्कुल सॉफ्ट थी, और जो आपके जो बेबी का हो सकता है उसकी स्किन थोड़ी सी हार्ड हो। ठीक है, तो इस चक्कर में ये गलती बिल्कुल ना करें कि उसका फटाक से खुल गया तो इसका भी खोल दें। इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है कि खाल पलट जाती है, खाल चिपक जाती है। तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ बच्चों का जल्दी खुल जाता है, कुछ बच्चों का बहुत लंबा समय लगता है। और छठवां क्वेश्चन कि प्राइवेट पार्ट्स खोलना क्यों जरूरी है। जैसे आपने शुरू से बच्चे का नहीं खोला, ठीक है, तो कुछ बच्चों का तो खुलना स्टार्ट हो जाता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है समय के साथ, लेकिन कुछ बच्चों का खुलना स्टार्ट नहीं होता है। खोलने से ये फायदा रहता है कि बच्चे को आप इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, बच्चे को गंदगी से बचा सकते हैं, और अगर आप नहीं खोलती हैं तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी गंदगी जम जाएगी और उसको टॉयलेट करने में भी दिक्कत हो सकती है, हो सकता है आने वाले टाइम पे उसकी टॉयलेट बंद हो जाए। तो अगर बच्चे का आने वाले टाइम पे खुद से नहीं खुलता है तो फिर ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। तो इसलिए उसको जरूर खोलिए, उसको साफ रखिए। और आखिरी सवाल ये है, बच्चे की खाल जो है पलट जाती है, तो पलट के जो सूज जाती है चारों तरफ से राउंड हो जाती है, वो दोबारा सही हो सकती है। तो इसका जवाब है बिल्कुल सही नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये कंडीशन बड़े लोगों में तो काफी हद तक सही हो जाती है, लेकिन बच्चों में बहुत कमी होता है जो सही होने की संभावना हो। आई होप कि अब आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा क्लियर और आपको समझाने की जरूरत है। अगर अब भी आपके मन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछें, पर प्लीज बच्चे के साथ नाइंसाफी बिल्कुल ना करें, थोड़ा केयरफुली रहें। आपकी एक लापरवाही की वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा दर्द झेलना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है जब मैं ऐसे केसेस देखती हूँ, बच्चे के लिए जो है फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम खड़ी ना हो। अब हम बात करने वाले हैं कि हमें प्राइवेट पार्ट्स खोलते समय कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली मिस्टेक कि आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, और खोलते समय आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपको घबराहट हो रही है तो आप प्लीज उसको ना खोलें, जब आप अपने आप को नॉर्मल महसूस करें तभी बच्चे का प्राइवेट पार्ट खोलें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना खोलें। एक दिन में खोलने की कोशिश ना करें, 15 दिन में खोलने की कोशिश ना करें, बेबी का प्राइवेट पार्ट खोलने में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाती हैं, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें। ठीक है, ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, प्लीज आप इन छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान रखें। मैंने ये वीडियो इसी मकसद से बनाया है कि प्लीज आप थोड़ा सा अलर्ट रहें ताकि बच्चे के लिए कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, या कोई भी हो, ताकि सारे पेरेंट्स जो है गलती करने से बच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा ले ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।